ये देखें, बिल्कुल खतरे वाली बात, ऐसे लग रहा है जैसे मौत के खूह में आप मोटरसाइकिल चलाते हुए देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड इछरे के इस पुल पे जो पैदल गुजरगाह है लोगों के लिए सड़क क्रॉस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मौजूद होने की एक अहम वजह वो ये है कि आप ये देख सकते हैं कि ये राइट एंड लेफ्ट साइड पे जो बॉर्डर बनाए हुए थे पाइपों के साथ, वो आहिस्ते आहिस्ते यहाँ से गायब हो रहे हैं, जो राहगीरों के लिए और खसूसी तौर पर उनके साथ जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ी एक ख़तरे की बात बनती जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से जो भी कोई गुज़रता है तो यहाँ पर ज़्यादातर बसेरा किया होता है नशियों ने, आवारागर्द लोगों ने, और वो रात की तारीकी में अक्सर अपने नशे की आदत को कूड़ा करने के लिए यहाँ से पाइप को गायब कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये देखें पाइप गायब कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं ये एक पुल का ये हाल है। और इछरे में ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबू यूसुफ ट्रेडर वाले पुल पर, तो इससे आगे शमा तक तकरीबन तीन पुल हैं और तीनों पुल की तकरीबन यही हालत ज़ाहर है। नशियों ने देखें अभी बच्चा गुजर रहा है और इसके लिए बड़ी ख़तरनाक बात है कि ये पुल के यहाँ से पाइप ही गायब हैं। और इस पे हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह हुकाम तक ये इस बात को पहुँचाया जाए ताकि वो इसकी रेनोवेशन कर सकें, इसकी मुरम्मत कर सकें, और हो सके तो मुस्तकबिल में इस तरह के जो वाक़ियात है उसके हवाले से यहाँ पे किसी को मुतय्यन किया जाए। इससे जो अगले वाला पुल आप देख रहे हैं वो मेट्रो का है, वहाँ पर मेट्रो के अपने मेट्रो बस अथॉरिटी के गार्ड्स वगैरह होते हैं जो उसकी सफाई वगैरह होती जाती है। लेकिन ये तकरीबन तीन पुल हैं जिनके हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। ये देखें बिल्कुल खतरे वाली बात, ऐसे लग रहा है जैसे मौत के खूह में आप मोटरसाइकिल चलाते हुए देख रहे हैं। ये जो पुल हैं बेसिकली अवामी फलाह के लिए हैं ताकि वो इस पुल को क्रॉस करें और सड़क के हादसा से बच सकें, ट्रैफिक एक्सीडेंट से बच सकें। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो कि यहाँ पर पुल की ही अपनी तकरीबन अबतर सूरत हाल हो तो ये फिर एक वाकई ख़तरे वाली बात है। किसी ज़माने में जब इछरे मोड़ का पुल होता था तो वहाँ पे भी तकरीबन गुजरते हुए वो पुल लोहे का जो बना हुआ था बट उसकी शीटें हिलती थी, तो वो भी फिर वक्त के साथ साथ वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये एक ज़रूरत इन्होंने बना दी है क्योंकि फिरोजपुर रोड जो उनसे सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, तो यहाँ से तो पैदल गुजरने के लिए जिसने एक भी कोशिश की है वो एक हमाकत होती है। तकरीबन एक दो तीन चार पाँच रोया ये सड़क है, उसको क्रॉस करने में इंसान तकरीबन हिम्मत हार जाता है। तो इस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुल यूज़ करते हैं, लेकिन पुल के हवाले से जो ये कंडीशन है ये वाकई ख़तरे वाली बात है।